इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बात कर रहे हैं, आपको सीधा लिए चल रहे हैं। या तो राशन कार्ड था ही नहीं या फिर उनका राशन कार्ड दूसरे राज्यों का था। गुजरात उन राज्यों में है जिसने सबसे पहले वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को लागू किया। वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ गुजरात के लाखों श्रमिक साथियों को हो रहा है। भाइयों और बहनों, एक दौर था जब देश में विकास की बात केवल बड़े शहरों तक ही सीमित होती थी। वहां भी विकास का मतलब बस इतना ही होता था कि खास खास इलाकों में बड़े बड़े फ्लाईओवर बन जाए, सड़कें बन जाए, मेट्रो बन जाए, यानी गांवों कस्बों से दूर और हमारे घर के बाहर जो काम होता था, जिसका सामान्य मानवी से लेना देना नहीं था, तेर पर भी लाखों करोड़ों खर्च हो रहा है, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन साथ ही सामान्य मानवी के जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए नए मानदंड भी स्थापित कर रहे हैं। गरीब के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जब 2 करोड़ गरीब परिवारों को घर दिए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अब सर्दी गर्मी बारिश के डर से मुक्त होकर जी पाएगा। इतना ही नहीं, जब खुद का घर होता है ना तो आत्मसम्मान से उसका जीवन भर जाता है, नए संकल्पों से जुड़ जाता है और उस संकल्पों को साकार करने के लिए गरीब परिवार समेत जी जान से जुट जाता है, दिन रात मेहनत करता है। जब 10 करोड़ परिवारों को शौच के लिए घर से बाहर जाने की मजबूरी से मुक्ति मिलती है तो इसका मतलब होता है कि उसका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। वो पहले सोचता था कि सुखी परिवारों के घर में ही टॉयलेट होता है, शौचालय उन्हीं के घर में होता है, गरीब को तो बेचारे को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, खुले में जाना पड़ता है, लेकिन जब गरीब को शौचालय मिलता है तो वो अमीर की बराबरी में अपने आप को देखता है, एक नया विश्वास पैदा होता है। इसी तरह जब देश का गरीब जनधन खाते के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ता है, मोबाइल बैंकिंग गरीब के भी हाथ में होती है तो उसे ताकत मिलती है, उसे नए अवसर मिलते हैं। हमारे यहां कहा जाता है, सामर्थ्य मूलम सुखमेव लोके, अर्थात हमारे सामर्थ्य का आधार हमारे जीवन का सुख ही होता है। जैसे हम सुख के पीछे भागकर सुख हासिल नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए हमें निर्धारित काम करने होते हैं, कुछ हासिल करना होता है, वैसे ही सशक्तिकरण भी स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा और गरिमा बढ़ने से होता है। जब करोड़ों गरीबों को आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज मिलता है तो स्वास्थ्य से उनका सशक्तिकरण होता है। जब कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा सुनिश्चित की जाती है तो इन वर्गों का शिक्षा से सशक्तिकरण होता है। जब सड़कें शहरों से गांवों को भी जोड़ती हैं, जब गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन मुफ्त बिजली कनेक्शन मिलता है तो ये सुविधाएं उनका सशक्तिकरण करती हैं। जब एक व्यक्ति को स्वास्थ्य शिक्षा और सुविधाएं मिलती हैं तो अपनी उन्नति के बारे में देश की प्रगति के बारे में सोचता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए
आज देश में मुद्रा योजना है, स्वनिधि योजना है, भारत में ऐसी अनेकों योजनाएं गरीब को सम्मानपूर्ण जीवन का मार्ग दे रही है, सम्मान से सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है। भाइयों और बहनों, जब सामान्य मानवीय के सपनों को अवसर मिलते हैं, व्यवस्थाएं जब घर तक खुद पहुंचने लगती हैं, तो जीवन कैसे बदलता है ये गुजरात बखूबी समझता है। कभी गुजरात के एक बड़े हिस्से में लोगों को, माताओं बहनों को पानी जैसी जरूरत के लिए कई कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। हमारी सभी माताएं बहनें साक्षी हैं, ये राजकोट में तो पानी के लिए ट्रेन भेजनी पड़ती थी। राजकोट में तो पानी लेना है तो घर के बाहर गड्ढा खोद करके नीचे पाइप में से पानी एक एक कटोरी लेकर के बाल्टी भरनी पड़ती थी। लेकिन आज सरदार सरोवर बांध से, सौनी योजना से, नहरों के नेटवर्क से उस कच्छ में भी मां नर्मदा का पानी पहुंच रहा है, जहां कोई सोचता भी नहीं था। और हमारे यहां तो कहा जाता था कि मां नर्मदा का स्मरण मात्र से पुण्य मिलता है, आज तो स्वयं मां नर्मदा गुजरात के गांव गांव जाती है, स्वयं मां नर्मदा घर घर जाती है, स्वयं मां नर्मदा आपके द्वार आकर के आपको आशीर्वाद देती है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज गुजरात शत प्रतिशत नल से जल उपलब्ध कराने के लक्ष्य में अब ज्यादा दूर नहीं है। यही गति आम जन के जीवन में, यही बदलाव अब धीरे धीरे पूरा देश महसूस कर रहा है। आजादी के दशकों बाद भी देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण परिवार पानी के नल की सुविधा से जुड़े हुए थे, जिनको नल से जल मिलता था। लेकिन आज जल जीवन अभियान के तहत देश भर में सिर्फ 2 साल के भीतर 4.5 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप के पानी से जोड़ा जा चुका है। और इसीलिए मेरी माताएं बहनें मुझे भरपूर आशीर्वाद देती रहती हैं। भाइयों और बहनों, डबल इंजन की सरकार के लाभ भी गुजरात लगातार देख रहा है। आज सरदार सरोवर बांध से विकास की नई धारा ही नहीं बह रही, बल्कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में विश्व के सबसे बड़े आकर्षण में से एक आज गुजरात में है। थोड़ी देर के बाद शरद पवार गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।